मैक्स को घर जाना है, गोश की पोटी भी तो कोई नहीं है, बारिश बहुत तेज हो गई तो मैक्स का मन नहीं है भीगने का लग रहा है। बेटू पोती करने तो एक बार भीग ही गए हैं तो भी, अरे अरे बेटा, अरे भी चाहेंगे उसको करने तो दे पोटी, बोल दे आई लव यू। गुड मॉर्निंग, परसों रात से लगातार बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है एंड सबसे दुखदाई यार ये लगता है उठते उठते बारिश में बच्चों को बाहर लेके आना। और इतने दिन से बारिश हो रही है तो टेम्परेचर भी गिर गया है तो हल्की हल्की सी ठंड भी लग रही है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, इट्स अ वेरी फ्रेश मॉर्निंग वैसे तो। खैर अभी जल्दी पॉटी कर लें तो फिर हम चलेंगे। मैक्स को घर जाना है, गोश की पॉटी भी तो कोई नहीं है, बारिश बहुत तेज हो गई तो मैक्स का मन नहीं है भीगने का लग रहा है। हाँ चलो फिर, चलो घर ही चलो, गोश कर ले यार। अच्छा अच्छा एक बार मैक्स छोड़ दे, लीव मैक्स लीव। हाँ अच्छा जल्दी जल्दी पोटी करो, गाय देखने मत ले जाना मेरे को, बेवकूफ़ भी बकरी देखने ले गया इतनी बारिश में पोटी करने की जगह। मैक्स अरे बेटा, अरे अरे बेटू पोटी करने तो एक बार भीग ही गए हैं तो छोड़ो छोड़ दो बेटा, नहीं ले लूँगा मैं छोड़ना, लीव लीव, अच्छा बच्चा है ना छोड़ो छोड़ इसको देखना, अरे भीग रहे हैं बारिश में मैक्स, मैंने छाता तो बोड़ी के पूरा भीग गया हूँ मैं, इतनी टेढ़ी मेढ़ी बारिश आ रही है। मैक्स लीव लीव, गुड बॉय थैंक यू, चलो आओ फिर पकड़ ली। अरे अरे बेटा, अरे भी चाहेंगे उसको करने तो दे पोटी। मैक्स को शायद पता है कि गोश को पोटी नहीं आ रही है, बकरी देखने ले जा रहा है उल्लू का पट्टा। चुनू गोतू, कोई एक्सप्रेशन भी तो नहीं होते हैं। अरे मैक्स भीग रहे हैं यार भाई तेरे चक्कर में, छोड़ दे लीव, गंदी बात, चलो दो मिनट अब आओ। A few moments later. गोश भाई साहब ने पोटी नहीं करी, बड़ा काटा इसने हमारा, बकरी देखने लगा। मैक्स ठीक से कह रहा था, मैक्स को पता था कि ये पोटी ओटी नहीं कर रही आ रही है इसको, ये बकरी देखने ले जा रहा है और घूम घाम के देखो कितनी शांत से चल रहा है। वाह शाबाश बेटा शाबाश। दोनों उस्ताद क्योंकि भीग के आए हैं तो अब मेरे बेड में जरूर, तो वैसे कभी नहीं आता है गोश्त चुनू, वैसे कभी नहीं आता, इतना बुलाता हूँ कभी बेड में नहीं आता, कभी नहीं, अभी क्योंकि गीला हो गया है चूहा, इसको तो मैंने सुखा दिया था, ये गोश्त अब को नहीं सुखा पाया था मैं क्योंकि इसको बिल्ली देखना था, तो अब बेड में मेरा गीला कर दिया होगा इससे। इतना चलाक है, जब तक मैं इसको गुदगुदी कर रहा हूँ तब तक तो ठीक है, जैसे रोकूंगा ना देखना इसको ठीक है, आवाज़ करेगा। क्या गुदगुदी चाहिए, ये चाहिए हैं, एम एम कर रहा है, देखना अभी फिर बंद करूँगा ना तो फिर आवाज़ करेगा। कर रहा हूँ यार कर रहा हूँ ले हाँ ये तो कितना कितना गुस्सा, नौकरूँ तेरा नौकरूँ हैं, पैसे दे मेरे को, पैसे दे मेरे को, मेरी पेमेंट करो, मेरी फीस दो, सैलरी मैं को यूट्यूब से पैसे आए होंगे, सैलरी तो दो मेरे को, सैलरी नहीं कर रहा, मैं सैलरी नहीं दे रहा है, कर रहा हूँ यार चल चूहे।
दो। अच्छा, पूरा गीला है, इतना घुमाया इसने सुबह और पोटी नहीं करी, बकरी देखने ले गए, इतना शैतान है ने। मैक्स को इसकी असलियत पता थी, तभी मैक्स मना कर रहा था। क्यों अल्लाह मचा रहा है घोष, कहाँ है बॉल, कहाँ है घोष, बोलने की कोशिश तो करता है हमारा, पर थोड़ा लाटा है ना। हाँ कहाँ है बॉल, कहाँ है येलो वाली, कहाँ है मैक्स, बॉल निकाल दे, वो वहाँ पे बॉल है, बॉल निकाल दे फिर तू, क्या क्या बोल रहा है लाटे, बोल आई लव यू, आई लव यू, बोल दे आई लव यू, ये क्या बोला तूने, आई लव यू, I love you. बोल। I love you. I love you. अपनी भाषा में गाली दे रहा है मेरे को ये। चलो चलो बहुत परेशान नहीं करते हैं। हमारे लाटे ने इतना बोला बहुत हमारे लिए। क्यों मैक्स? ठीक है ना इतना? I love you. Okay. 2 hours later. घर पहुंचा हूं मैं बस अभी और कैच, इसका गेम शुरू हो गया। कैच। शाबाश। कैच तो बहुत ही जबरदस्त पकड़ने लगा है। विराट कोहली बनाएगा क्या? ले पकड़। शाबाश। अरे दे तो दे, देना भी होता है बेटा। अरे दे दे दे। जा, जा। बुआ के सीरियल चालू हैं, कंबल अम्बल ओढ़ के बैठी हैं। कैच। सही है, हाथ में मार दिया। आराम से आराम से आराम से, इतना एक्साइटेड नहीं होते, आराम से रिलैक्स। दो। हाँ मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ना गोश्त के लिए एकदम, एक तो एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है ठंड में गोश्त की, ऑब्वियस सी बात है, सो गर्मी कम लगती है। भैया हमारे गोश्त को, हमारे साइबेरियंस की को तो लगती है गर्मी 20 डिग्री में भी, दिल्ली विल्ली वाले हैदराबाद वालों के और बाकी जगहों के हस्कीज को नहीं लगती 40 डिग्री में गर्मी, है ना मैक्स, है ना, पता नहीं क्या राज है उनके हस्कीज का ऐसा। ले क्या, मैं तड़प रही थी, क्यों कर रही हूँ ऐसा, ला बावले। हाँ कैच कर। अरे यार कैसे कैच पकड़ ले रहा है आजकल, तो लड़का चीता हो गया। अरे आराम से, अरे यार अच्छा 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 अच्छा, अरे कितना खेलेगा, अरे भाई साहब इतना एनर्जी है इसमें, बोल आई लव यू, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, अरे अरे मत, मत, मत बोल भाई, सॉरी मैथ्यू तू तो बोल आई लव यू बेटा, मुझे आई लव यू कोई नहीं बोलता, बोल दे तू, ये देखा मुझे क्या मिला, गोश्त, गोश्त, अरे अरे साफ करा भी, यहाँ गोश्त को बहुत पसंद है यार, लगे छोटा था ना तब इससे बहुत खेलता था, अब चिंटू खेलता है, अब आपको मैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। शाबाश। बहुत ही अच्छा यूनिक वे है ये एक्सरसाइज कराने का, बहुत ही आसान। तो अगर आप घर पे हैं लॉकडाउन में, आपके डॉग अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे उनको एक्सरसाइज करा सकते हैं। ऑल द वे टाइल पे सब करना ना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं होता, इनके पैर खराब होने का डर रहता है, तो आपकी छत पे खुरदुरी सरफेस होना तो वहाँ पे आप कर सकते हो ये। One eternity later. दोस्तों अभी शाम के बजे हैं
5:30 एंड एज यू कैन सी इट इज स्टिल रेनिंग स्टिल रेनिंग। एंड बीच में एक ब्रीफ मोमेंट था जब बारिश बंद हो गई थी, बट अब फिर से बारिश होने लग गई है एंड बारिश के साथ हल्के हल्के बादल भी गरज रहे हैं। अजय हेलो, तो मैक्स हमारा लालो नंबर वन डर रहा है, एक लाइट जला देता हूँ मैं, कुछ नहीं। तो मैक्स मेरे को कडल करके बैठा हुआ था चुपचाप, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, है ना। बैठना मको नीचे, हाँ 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 बहुत बढ़िया, क्या बात, हाँ हाँ नखरे नखरे नौटंकी देख रहे हो उसकी। हो गया, ये मेरा खाना रखा है और ये लड़का आपको दिख रहा होगा। कैसे भाई साहब, मटर खाओगे? मटर मटर ले, मटर खाया है इसने अभी अभी, आप बताओ एक और मटर खाना है। मटर को एंजॉय करने वाला पहला डॉग है मेरे ख्याल से। इस खाना चोर ने मेरा खाना चोर के खा दिया और अब इसको आ रही है कुछ शायद सुसु पॉटी, और इसको सुबह से मैं इतने बाहर ले आया हूँ, यार पॉटी नहीं करी है यार, कितना परेशान करता हूँ। इतनी तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों, आप आवाज़ सुनो। ओह लाइट भी चली गई, लाइट भी चली गई। सो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, मैंने बोला था सुबह 10 बजे आएगा, पर ये लेट इसलिए आ रहा है बिकॉज कल रात जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो सौरभ भाई ने मेरे को ये वीडियो दिखाया। जस्ट सॉ दिस वीडियो, प्रीटी डिस्टर्बिंग। हीलियम बलून्स बात करें, डॉग को उड़ा रहे गोबर। एंड ये वीडियो देख के ना मेरा दिमाग हिल गया। एक तो वीडियो भाई हमारे सर्व प्रसिद्ध हमारे गोबर भाई का है एंड हरकतें इनकी आपको पता ही कैसी होती है। फिलहाल तो वीडियो प्राइवेट हो चुका है। जब मैंने वीडियो देखा तो मेरे को ना ये जो हरकतें कर रहा था इसके डॉग की सेफ्टी वो एक तरफ थी, और मेरे को ये डर ये लग रहा था कि ये जो वीडियो में इसने जो हरकत करी है, इसने अपने डॉग को बलून से बांध के उड़ाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये जो हरकत इसने करी है इससे जो इन्फ्लुएंस होंगे ना भाई, इसके 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और कैसे फॉलोअर्स होंगे आप सोच सकते हो। उसमें एटलीस्ट आप मान के चलो 3 मिलियन तो छपरी होंगे जिनका बिल्कुल दिमाग नहीं होता, बद दिमाग बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं वो, राइट। जो इसने किया, इसका आका है ना ये, छपरियों का आका है, तो जो आका ने करा वही अब वो लोग भी मिमिक करने की कोशिश करेंगे। ये इतना सीरियस इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब टिकटॉक था लास्ट टाइम, जहाँ पे उस छपरी क्राउड के कोई लिमिट ही नहीं थी, वहाँ पे एनिमल क्रुएल्टी के कितने ज़्यादा वीडियो सरफेस हो रहे थे। लोग गायों को मार रहे थे, उनको गर्म सरिया से डाम दे रहे थे, कभी कुछ मार्ची जला के उनको फेंक दी, डॉग्स को पानी में फेंक दिया, डॉग्स के मुंह मटका डाल दिया, प्लास्टिक लगा दिया, पैर टेप से बांध दिए, और एक तो बहुत ही बुरा वीडियो था जिसमें वो डॉग्स के पैर बांध के उसको नदी में फेंक दिया था जो कि डॉग मर गया था। एंड वो पता है क्या है, ये इस तरह के वीडियोस उन जैसे लोगों को प्रोवोक करते हैं हरकतें करने के लिए। अब वो जो लोग हैं उनके सपने डॉग्स हुए तो उनके साथ करेंगे, नहीं तो मेजॉरिटी किसके साथ करेंगे, स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रीट पे जो पपीज हैं उनके साथ। इस वजह से मैंने फिर ऑब्वियसली कल हिमालयन आर्मी की भी हेल्प ली, मैंने बोला भाई इसको अब्यूज एनिमल अब्यूज़ में रिपोर्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी NGOs को और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये वीडियो भेज दिया था, एंड फॉर्चुनेटली थोड़ी अकल आ गई इसको कि इसने वीडियो प्राइवेट कर दिया, नहीं तो आज इसको नोटिस वोटिस चले गया होता, वीडियो तो इसको हटाना पड़ता, साथ में इसको माफ़ी भी मांगनी पड़ती। खैर ये सब चीज़ें हो गई एंड आई एम रियली हैप्पी, रियली फॉर्चुनेट कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। जब मैं आपसे हेल्प मांगता हूँ आप लोग मेरी हेल्प करते हो, एक अच्छे कॉज के लिए हमेशा आगे आते हो। सो दिल से थैंक यू आप लोगों के लिए एंड आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग मेरे पे इतना भरोसा करते हो। खैर दोस्तों ये सब तो हो गई बुरी बातें क्योंकि वो वीडियो भी हट चुकी है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपके लिए एक अच्छी बात ये लेके जाता हूँ कि हम एक छोटे से एडवेंचर पे जा रहे हैं कल। एक्चुअली मेरी एक साइट है वो एकदम पहाड़ के टॉप पे जंगल के बीच में है, तो वहाँ पे मेरे को कल सर्वे के लिए जाना है, तो होपफुली मैं बच्चों को भी साथ लेके जाऊँगा एंड आई नो दैट्स गोना बी फन, तो वील व्लॉग दैट एज वेल एंड देन अगला वीडियो शायद अब उसी का ही आएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड एंड मेरे को आपको दिल से थैंक यू भी बोलना है कि मैं व्लॉग्स डाल रहा हूँ, सो इट्स समथिंग न्यू फॉर मी एंड आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, चैनल की ग्रोथ दोबारा से होने लगी है, तो दिल को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है एंड आई एम हाईली मोटिवेटेड। तो दोस्तों ऐसे ही प्लीज़ अपना प्यार हमें बना के रखिएगा। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है ना दोस्तों, देखो आप लाइक करते हो तो वीडियो थोड़ा स्प्रेड होती है, YouTube उसको पुश करता है, तो आपके लाइक्स कमेंट्स शेयर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से कमेंट भी कर देना। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कई बार लोग भूल जाते हैं, तो चेक कर लेना, तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ओके बाय।